अल्लाह ताला ने अपने बंदियां तो मशक्कत दूर कर दिती, बहुत सारे अहकामां च नरमी कर दिती। इन्हां नूं पेश आने वाले हालात और रोज़ना दे सबब, इन्हां चों रोज़ा है उस बंदे तो मशक्कत उठा ली गई जिन्हें दिन च भुल के खा लिया। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हें भुल के खाया और वो रोज़े नाल सी, बस वो अपना रोज़ा पूरा करे, उन्हों अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। और जो रोज़ा ना रख सके एहो जी बीमारी की वजह नाल जिंदे नाल शफायाबी ना होवे या मुशक्कत होवे रोज़े नाल बुढ़े बंदे नूं, जिंदी वजह नाल वो रोज़ा इफ्तार कर सकता है। रोज़ एक मस्कीन नूं खाना खिला के इन रोज़े के बदले, बल्कि इफ्तार करना वाजिब है हायजा ते नफास की हालत वाली औरत वास्ते। अगर हामला और दुध पिलाने वाली खौफ लाहक होया अपने बच्चे वास्ते ते या अपने वास्ते तो रोज़ा इफ्तार करना उनके वास्ते जायज़ है, अल्लाह ताला ने उनके बच्चे ते उनके ते रहम करते हो। यार अल्लाह मुसाफिर जेड़ा है, इन्नी मुसाफिर जिंदे नमाज कसर की जाती है वो भी रोज़ा इफ्तार कर सकता है, उनके वास्ते भी जायज़ है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जेड़ा मुसाफिर है या मरीज़ है तो उनकी कज़ा अदा करे, इन सब ते रोज़े की कज़ा है। ऐसी अचानक बीमारी जिंदी शिफा मुमकिन है, उनके तीन हालात ने। पहली हालत यह है कि उनके ते मुशक्कत होवे रोज़ा रखने नाल और ना नुकसान होवे ना मुशक्कत होवे तो रोज़ा रखना वाजिब है। दूजी हालत यह है कि मुशक्कत तो होवे पर नुकसान ना होवे रोज़े नाल, तो इन वास्ते रोज़ा रखना मकरूह है, उन्होंने अल्लाह ताला दी रुखसत दी इजाज़त लेनी चाहिए है और रोज़ा छोड़ना चाहिए है। तीजा हालत है अगर रोज़े नाल नुकसान पहुँचे तो रोज़ा रखना हराम है।